मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो वेजिटेबल है और गोर्ड फैमिली से है, जिसे राउंड गोर्ड भी कहते हैं, एप्पल गोर्ड भी कहते हैं और मेलन गोर्ड भी कहते हैं, जिसमें फाइबर, जो फाइबर रिच भी है और जिसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही सिंपल प्यारी सी वेजिटेबल है जिसका नाम है टिंडे, जो कि मैं स्टफ टिंडे बनाऊंगी, भरवा टिंडे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। भरवा टिंडे बनाने के लिए हमने ये आधा किलो टिंडे लिए, लगभग 9 टिंडे हैं ये। एक बड़ा टमाटर जो चॉप कर लिया, एक बड़ी प्याज ये भी चॉप कर ली, थोड़ा धनिया ये भी चॉप कर लिया। इसमें जो मसाले हम यूज़ करेंगे वो हैं 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर जो हमने ग्राइंड कर लिया, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने कलौंजी लिए और 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया, 4 हरी मिर्च हमने चॉप कर ली, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है। टिंडों को हम छील लेंगे। टिंडों की स्टफिंग के लिए और टिंडों को भरवा बनाने के लिए हम ये इसका अंदर का गूदा निकाल लेंगे। आप चाहें स्पून से निकालें, नाइफ से निकालें, जैसा आपको आसानी हो वैसे आप इसको निकाल लें और उसको, और जो बड़े बीज हों वो अलग कर दें। टिंडे के कच्चे बीज हैं तो ये हमने ऐसे ही निकाल लिया। ये देखें ये बिल्कुल खाली हो गया और इसका सारा गूदा बाहर आ गया। ये टिंडे हमने सब अंदर से खाली कर लिए और अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम शैलो फ्राई करेंगे। इन्हें थोड़ी देर हम ढक देंगे ताकि ये थोड़ा गल जाए। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे, पलटते रहेंगे, ताकि ये ऐसा है कि हमें इसमें स्टफिंग भी करना है तो बहुत ज़्यादा नहीं गल जाएँ। तो इन्हें ठीक ठाक गलाना है और फ्राई भी हो जाएं, गल भी जाएं। अब ये हमारे ये टिंडे बहुत अच्छे फ्राई हो गए। अब इन्हें हम बाहर अलग निकाल लेंगे प्लेट में और अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। देखें कितने प्यारे फ्राई हुए हैं। फ्लेम ऑफ करते हैं हम। अब इसी ऑयल में
हम ये ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा इसे सॉटे करेंगे, चटकने देंगे। जैसे ये स्प्लिटर होगा हम डालेंगे ये अपनी कटी हुई प्याज, इसके साथ भूनेंगे इसे। ऑयल आप 5 से 6 टेबल स्पून ले सकते हैं, या आपको जितनी ज़रूरत हो अपने हिसाब से ले लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और ये जो हमने इसके टिंडों की गूदा निकाला था ये भी इसी में ऐड कर देंगे हम। इसमें मिलाएंगे हम ये हरी मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया, और ये लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, और ये कलौंजी। अब इसको हल्के फ्लेम पे हम लो फ्लेम पर इसको 10-15 मिनट पकाएंगे, और पानी आप अगर बहुत ज़रूरत हो तो यूज़ करें, क्योंकि इसमें से भी पानी अच्छा खासा, क्योंकि इसके गूदे में भी काफ़ी पानी है, टमाटर में भी पानी है, तो उसी पर लो फ्लेम पर ढक कर पकाइए। तो ढक देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। मसाला अच्छा भुन रहा है, इसमें अब लास्ट स्टेज में हम ये धनिया भी ऐड कर देंगे ताकि ये और हरा भरा हो जाए, और इसको इसमें मिक्स करेंगे। देखें कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम गैस ऑफ करेंगे, ये हमारा स्टफिंग का मसाला बिल्कुल तैयार है, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़ा ठंडा होता है तो फिर हम इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है, थोड़ी ठंडी भी हो गई है। अब इसको हम छोटे स्पून की मदद से इसमें स्टफ करेंगे। ये देखें हमारे सारे टिंडे स्टफ हो गए, अब ये भरवा टिंडे बन गए। अब इनको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। पकाने के लिए फ्राइंग पैन हमने वही लिया है, बस उसमें हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और इन टिंडों को लो फ्लेम रखेंगे। इन टिंडों को इसमें रखते जाएंगे। लगभग 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। स्टफ्ड टिंडे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, और इन्हें हमने 20 मिनट रखा क्योंकि ये गले कम थे, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, आपको जितनी ज़रूरत है बहुत थोड़ा पानी ऐड करके इनको गलाएं। ये बहुत अच्छी तरह गल गए। अब इनकी हम प्लेटिंग करते हैं और फिर आपके सामने पेश करते हैं। हमारे स्टफ टिंडे, भरवा टिंडे बिल्कुल तैयार हैं। अब ये आपका अपना चॉइस है कि आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में किस टाइम खाएं। आजकल सीज़न भी है टिंडों का, तो आप मार्केट में जाएं और
फ्रेश टिंडे लेकर आएँ। अगर आप नॉन वेज से बोर हो चुके हैं तो ये बेहतरीन चॉइस है, तो आप इससे रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपका पास उसका फौरन नोटिफिकेशन पहुंचेगा। डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।